हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 10 में। जी हाँ, इससे पहले ऑलरेडी 9 सेट्स हम लोग देख चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट्स रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन, और अगर खासकर बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए की बात की जाए तो ये वन लाइनर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। 9 सेट्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अगर आप में से किसी ने उन सेट्स को नहीं देखा है तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां जाकर उन 9 वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट 10। जी हाँ, ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन जो हम लोग इस तरह के सेट्स में देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर परीक्षा BSSC या BPSC द्वारा कंडक्ट होने वाली, यानी कि बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर बात करें तो ये सारे वन लाइनर्स और भी ज़्यादा अहम हो जाते हैं। और इनमें से ज़्यादातर वन लाइनर्स MCQ के फॉर्म में आपको इन परीक्षाओं में, इनके द्वारा लिए जाने वाली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देर किए शुरू करते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आपके पास वक्त कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो पहला वन लाइनर आप देखिए कि हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है, तो ये गुलमर्ग में स्थित है। जी हाँ, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है, किस जगह पर है, तो ये गुलमर्ग में स्थित है। दूसरा आपका MCQ आता है कि RDX क्या है, तो RDX आपका क्या है, एक विस्फोटक है। जी हाँ, और RDX के फुल फॉर्म की अगर बात करें तो रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, और इसका एक और फुल फॉर्म भी है, रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोजिव। जी हाँ, दो फुल फॉर्म इसका आपका RDX का है, जिस दोनों को सही माना जाता है। एक तो आपका रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, या नहीं तो फिर रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोजिव्स, दोनों इसका फुल फॉर्म है, दोनों सही आपका माना जाता है। अगर ये MCQ में पूछा जाएगा तो ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, यानी तो दोनों अगर दिया जाएगा तो एक ऑप्शन आपका ऐसा रहेगा, ए और बी दोनों, तो आपको ये दोनों देखना है। और ऐसे ज़्यादातर एक ही कोई फुल फॉर्म दिया रहता है, या तो रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव यानी तो रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोजिव। तो RDX है क्या, इसके फुल फॉर्म से भी आपको क्लियर हो गया कि एक एक्सप्लोजिव है, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो ये एक विस्फोटक है। जी हाँ, उसके बाद फिर आपका वन लाइनर की बात आती है, सन 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारत के चंपारण से पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। वन लाइनर में कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देखने को मिले कि पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ, तो आप कह सकते हैं कि चंपारण में शुरू हुआ। कब हुआ, 1917 ईस्वी में शुरू हुआ, और किसने शुरू किया, तो महात्मा गांधी ने शुरू किया। जी हाँ, तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ही लाइन में, किसी तरह से भी MCQ बन जाएगा। अगर आपको ये वन लाइनर याद है तो आप आसानी से सही जवाब दे पाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि सारी यूज़फुल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। उसके बाद फिर आप देखिए कि इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में 1905 ईस्वी में, जी हाँ 1905 में किसने की थी, श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर, सबसे पहले तो आप देखिए कि इंडिया हाउस है कहाँ, तो आपको मालूम होगा कि लंदन में है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1905 ईस्वी में हुई। किसने किया, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया। इतने सारे फैक्ट्स आपको वन लाइन में ही आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। इससे किसी तरह के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनेगा, MCQ क्वेश्चन बनेगा, तो आप उसका जवाब आसानी से सही दे पाएंगे। उसके बाद फिर देखिए आपकी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। जी हाँ, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक संस्था थी, जिसकी स्थापना किसने की थी, रास बिहारी बोस ने की थी। जी हाँ, उसके बाद फिर आपका है पुस्तक गुड अर्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, SSC और BSSC द्वारा कई बार पूछा गया है कि पुस्तक गुड अर्थ के लेखक कौन हैं, तो आप याद रखिए Pearl S. Buck। जी हाँ, Pearl S. Buck हैं जिन्होंने पुस्तक गुड अर्थ को लिखा है। उसके बाद फिर आपका पॉइंट आता है कि हरिप्रसाद चौरसिया क्या थे, तो ये एक विख्यात बांसुरी वादक हैं। जी हाँ, हरिप्रसाद चौरसिया एक क्या है, एक प्रख्यात बांसुरी वादक हैं, बांसुरी बजाने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दें स्टूडेंट्स, और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है गांधी इरविन समझौता, और आपने पहले भी प्रतियोगी परीक्षाओं को फेस किया है तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि ये वन लाइनर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितनी मेहनत के बाद इसे कलेक्ट किया गया है सिर्फ आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931
1931 में हुआ था। जी हाँ, 5 मार्च 1931 में हस्ताक्षरित हुआ था। गांधी इरविन समझौता भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्व रखता है, इसका डेट आप ज़रूर याद रखें। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है कि जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचती है, यहाँ पे पहुंचता है नहीं लिखेंगे, पहुंचती है, तो इसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, अपसौर और उपसौर भूगोल में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, दो इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं, जब सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर हो या और जब बहुत पास हो, तो एक को अपसौर कहते हैं, एक को उपसौर कहते हैं। जब अधिकतम दूरी पर हो तो उसे क्या कहेंगे, अपसौर के नाम से जाना जाता है, आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन है कि हेलीवीड का भव्य मंदिर कहाँ है, होयसालाओं द्वारा स्थापित किया गया था। जी हाँ, हेलीवीड का भव्य मंदिर, भव्य कहते हैं बहुत बड़े को, बहुत विशाल, तो उसका भव्य मंदिर होयसालाओं द्वारा स्थापित किया गया था, आप ये याद रखेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जाए तो ये सारे वन लाइनर्स आपके लिए और भी ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि इन्हीं तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए भी हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जी हाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ये तो आप क्वेश्चन को जान लें कि ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन सेटर का एक फेवरेट क्वेश्चन है और बार बार कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये वीवीआई क्वेश्चन आपका हो गया। और आपको याद भी होगा अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाएँ आपने फेस की है, तो आपको मालूम भी होगा और हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में भी ये सवाल कई बार आ चुका हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे या प्रारूप सभा के अध्यक्ष पूछे, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षरित हुआ था। चलिए, ये तो आप याद रखेंगे कि ये ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, इसका डेट कि ये कब हुआ था, तो 10 जनवरी 1966 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद फिर आपका है दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, तो आप याद रखें कि अकबर ने। जी हाँ, दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी और 1582 ईस्वी में की थी। किसने की थी, ये सवाल तो कई बार पूछ चुका है, आप ये भी याद रखें कि कब की थी, तो 1582 ईस्वी में की थी। ये दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहे हैं कि अगर सिंपल पूछता है, और कई बार पूछा भी है कि दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, तो अकबर ने की थी, ये तो आप याद रखें, ये जनरल हो गया। और डेट भी याद रखें, सकता है कि इस दफ़ा डेट भी पूछ ले कि दीन-ए-इलाही की स्थापना अकबर ने तो की, लेकिन किस साल की, तो 1582 ईस्वी में की, आपको ये याद रखना है। उसके बाद फिर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मिसाइल बोट कौन था, IN विक्रांत। जी हाँ, प्रथम मिसाइल बोट जो था वो IN विक्रांत था। और भारत का ज़्यादा व्यापारी समुद्री मार्ग, सॉरी भारत का ज़्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है, समुद्री मार्ग से होता है। जी हाँ, चार ऑप्शन आपके सामने हो सकते हैं, समुद्री मार्ग, वायु मार्ग और इस तरह के कुछ ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, लेकिन आपका सही जवाब क्या होगा, समुद्री मार्ग। जी हाँ, भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है, तो समुद्री मार्ग से होता है। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चंस ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपके सामने दिए जाते हैं और अक्सर इनमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। हर सेट में बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के इंक्लूड किए गए हैं जो अक्सर बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में तो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और अच्छा तो लगा ही होगा क्योंकि बहुत ही यूज़फुल वीडियोज़ है। अगर आप सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर, तो ये सारे सेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कॉमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें अपना एक्सपीरियंस वीडियो के बारे में, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों तक भी ये पहुंचाएं ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।